नमस्कार दोस्तों, अम्मा की थाली में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गोभी के एक नए तरह का नाश्ता। इसे आप सुबह और शाम के नाश्ते में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यह नाश्ता बहुत ही कम तेल में आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं गोभी के नाश्ते बनाना। नाश्ते बनाने के लिए हमने यहाँ पर 100 ग्राम गोभी पानी से साफ करके लिया है। तो सबसे पहले हम गोभी को कद्दूकस करेंगे। नाश्ते के लिए हमें बारीक गोभी की जरूरत है, इसलिए हम गोभी को कद्दूकस कर रहे हैं। गोभी हमारे कद्दूकस हो गए हैं। हमने इस तरीके से गोभी को बारीक कद्दूकस किया है। यहाँ पर हमने एक बड़ा बाउल लिया है। अब इसी बाउल में हम डाल देते हैं 1 कप बेसन। यहाँ पर हमने 1 कप पानी लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। थोड़े थोड़े हम पानी डालते जाएंगे और घोल को बनाते जाएंगे, जिससे इसमें लम्स न बने और घोल हमारे ज़्यादा पतले न हो। ये बेसन का हमने अच्छे से गाढ़ा घोल बना लिया है। अब इसी में कद्दूकस किया है गोभी डाल देते हैं और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं, 2 बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। अब सारे चीज़ों को हम घोल में अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे मसाले और सब्जी बेसन में अच्छे से मिल जाएं। घोल में हमने मसाले और सारे सब्जियों को अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। लगभग 5 मिनट के बाद अब हम ढक्कन हटाकर बैटर को देख लेते हैं। अब बैटर में 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल देते हैं और सोडा को हम बैटर में अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम और पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि नाश्ते के लिए हमें गाढ़ा बैटर चाहिए। सारे चीज़ों को मिलाकर हमने बैटर को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। नाश्ते के लिए हमने इस तरीके का बैटर बनाया है। अब हम इसका नाश्ते बनाएंगे। नाश्ते हम अपे पैन में बना रहे हैं, इसलिए हमने गैस पर पैन रख दिया है। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। अब पैन के सभी ब्लॉक में हम तेल लगा देते हैं, जिससे नाश्ते हमारे इसमें चिपके ना और खाने में भी अच्छे लगें। पैन के सारे ब्लॉक में तेल हमने अच्छे से लगा दिया है। पैन हमारे गर्म हो चुके हैं। अब सभी ब्लॉक में हम 1-1 चम्मच बैटर को डाल देते हैं। बैटर को हम ब्लॉक के लेवल तक भरेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं भरेंगे, क्योंकि पकने के बाद ये फूल जाएंगे। सभी ब्लॉक में हमने बैटर को भर दिया है। अब इसे हम लगभग 3 मिनट तक धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। लगभग 3 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाकर नाश्ते को चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं नाश्ते हमारे नीचे से पकने के बाद कितने फूल गए हैं। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा तेल लगा देते हैं। अब एक एक करके हम सारे अप्पे को पलट देते हैं।
अब इसको हम 3 मिनट के लिए फिर से ढककर पका लेते हैं, जिससे उस तरफ भी अप्पे अच्छे से पक जाएं। ये 3 मिनट हमारे हो गए हैं, अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। ये अप्पे हमारे दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं। अब एक एक करके हम सारे अप्पे को प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे इस तरीके से गोभी के नाश्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। ये नाश्ते खाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसे आप तीखी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ या फिर वैसे भी खा सकते हैं। यह नाश्ते बच्चे या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। अब हम एक अप्पे तोड़कर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं अंदर तक हमारे अप्पे अच्छे से पके हैं, तो आप इसे इस तरीके से चटनी लगाकर खा सकते हैं। इसे आप सुबह और शाम के नाश्ते में अपने घर पर जरूर बनाएं। यह नाश्ते कम समय में बहुत आसानी से बन जाते हैं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।